वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों 28 साल बाद, पूरे 28 साल बाद डायरेक्टर शंकर और कमल हसन अपनी ब्लॉकबस्टर या फिर कहें पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन के सीक्वल के साथ आ रहे हैं, जहां पर आज जो है फिल्म का एक 2.5 मिनट के आसपास का ट्रेलर जो है रिलीज किया गया है। ट्रेलर सभी भाषाओं में आया है, हिंदी में भी आया है। और अगर बात करें यहाँ पर ट्रेलर की, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेलर के अंदर जो हमारे सेनापति का जो कैरेक्टर था यहां पर इंडियन फिल्म के अंदर, उसका जो यहां पर कुछ फ्लैशबैक पोर्शन देखने को मिलता है, जितने भी शॉट्स पुराने फिल्म से जुड़े हुए नजर आते हैं, जो उनको एंट्री दी गई है, एंट्री पे जो बैकग्राउंड यूज किया गया है, कमल हसन के जो डिफरेंट गेटअप्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं एक पुरानी यादों को ताजा करने में जो है कामयाब रहती है। इसके अलावा अनिरुद्ध रविचंद्रन की अगर बात करें, तो टीजर के अंदर जो म्यूजिक उन्होंने बैकग्राउंड में यूज किया था, वो काफी जो आउटडेटेड सा फील हो रहा था, पर यहां पर अगर देखें तो काफी ज्यादा जो है इंप्रूव किया है उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक को, थोड़ा सा डिफरेंट रखा है अपने रेगुलर म्यूजिक से, पर यहां पर म्यूजिक जो है काफी हद तक इफेक्टिव नजर आता है, खास करके यहां पर कमल हसन की एंट्री के समय। और जिस तरीके से पारा सॉन्ग के धुन को उन्होंने ट्रेलर में यूज किया है, वो कुछ सीन्स को जो है कुछ हद तक एलिवेट करने में यहां पर कामयाब रहते हैं। पर इन सभी के अलावा एक चीज जो मैं पर्सनली ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे लिए पर्सनली आज के समय में ये जो करप्शन वाला जो थीम होता है, ये बहुत ज्यादा काम करता हुआ नजर नहीं आता है। और टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट ट्रेलर लेवल पर ऐसा कुछ बहुत मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर इन कमल हसन के सेनापति वाले कैरेक्टर को अगर मैं साइड में रखूं, तो उनके अलावा यहां पर ट्रेलर के अंदर ऐसा कुछ बहुत नजर नहीं आया है जो इस फिल्म के प्रति एक एक्साइटमेंट को जो है यहां पर जगा पाए। हां, एक चीज जो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा इस फिल्म के अंदर, वो ये है कि अब यहां पर इतने साल बीत चुके हैं, यहां से जो है डायरेक्टर शंकर करप्शन के किन पहलुओं को जो है इस फिल्म के साथ छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है और समय के साथ करप्शन का जो रूप है, करप्शन का जो रेंज है, वो काफी बड़ा हो चुका है। तो उन्हें किस तरीके से यहां पर फिल्म में दिखाया जाता है, और उनका सोल्यूशन इस बार सेनापति किस तरीके से निकालता है, क्या वो अभी भी जो है सिर्फ लोगों को मारकर, लोगों को डरा के इनका सोल्यूशन निकालता है, या फिर उसके पास है इस बार कोई नया तरीका। क्योंकि एक सीन के अंदर यहां पर सिद्धार्थ का कैरेक्टर जो है यहां पर कमल हसन जी को बोलता हुआ हमें सुनाई देता है कि तुमने तो बचपन में कहा था कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, ये सभी चीजें तुमने उस समय कही थी, और आज तुम्हें वही चीजें जो है फिर से हमें कहने को बोल रहे हो। तो यहां पर क्या नया तरीका ढूंढा है यहां पर सेनापति ने इस जमाने के करप्शन को हैंडल करने के लिए, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा एक और चीज जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है, वो ये है कि फिल्म जो है काफी हद तक इस बार अपने आप को जो है थोड़ा सा ज्यादा पॉलिटिकल साइड पर जो है रखने की कोशिश करेगी, पॉलिटिक्स की तरफ जो है इसका झुकाव बहुत ज्यादा ही रहने वाला है, ऐसा मुझे यहां पर जो है साफ फील हो रहा है, जहां पर साफ हमें देखने को मिल रहा है कि जनता जो है करप्शन को खत्म करने के लिए इंडियन या फिर कहें हिंदुस्तानी का कमबैक चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बैठे हैं जो यहां पर इसे जो है हिंदुस्तानी को जो है एंटी इंडियन घोषित करना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स जो है साफ यहां पर क्लियर नजर आ रहा है, जो कि पहली फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा नहीं था, पर यहां पर डेफिनेटली उसका जो परसेंटेज रहेगा वो ज्यादा ही रहेगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जैसा कि मैंने कहा कि करप्शन ने इतना बड़ा रूप और इतना रेंज बढ़ा लिया है कि वो हर जगह पर है, जिसको डायरेक्टर शंकर कैसे दिखाते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मुझे खुशी होती कि कुछ और ऐसे मोमेंट्स यहां पर ट्रेलर के अंदर दिए जाते जो सही मायनों में जो है एक्साइटमेंट को क्रिएट करते। इसके अलावा अगर बात करें कुछ टेक्निकल चीजों की, तो पर्सनली मुझे जो है ये जो कलरफुल विजुअल समय ट्रेलर में नजर आ रहे हैं वो थोड़े से ज्यादा कलरफुल फील हुए, पर नो डाउट जो विजुअल्स हैं वो ग्रैंड लग रहे हैं, जो पैसा खर्च हुआ है वो साफ फील होता है। कमल हसन के जो गेटअप्स देखने को मिल रहे हैं वो भी काफी हद तक काफी डिफरेंट है, मतलब कुछ कुछ सीन में तो बिल्कुल ही वो पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक और चीज जो मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है वो है इसका एक्शन, जहां पर जो पुरानी फिल्म के अंदर जो एक्शन देखने को मिला था उसे तो रखा ही, एट द सेम टाइम कुछ चीजें हैं जिनमें इनोवेशन का जो है यहां पर स्कोप नजर आ रहा है, हो सकता है ये चीजें इनोवेटिव हो सकती हैं, खास करके रिसेंटली हमने काफी सारे जो है मेट्रो फाइट सीक्वेंस देखे हैं, पर यहां पर जो है थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो है हमें फील हो रहा है। तो है ओवरऑल कहूं तो कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं ट्रेलर के अंदर जो थोड़ा बहुत जो है ट्रेलर को कुछ हद तक एलिवेट करते हैं, कुछ हद तक इंटरेस्ट जगाते हैं, पर फिर भी खत्म होते होते ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी, इतनी पुरानी फिल्म के इस सीक्वल के ट्रेलर के अंदर वो जो पंच होना चाहिए था वो थोड़ा
थोड़ा सा मिसिंग फील होता है। ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर। आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।